आलिया भट्ट के कन्यादान वाले विज्ञापन को लेकर जो बवाल शुरू हुआ था वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आलिया के इस विज्ञापन में कन्यादान को गलत तरीके से बताया जा रहा है और उसकी जगह पर कन्या मान का इस्तेमाल करो इस तरह की बात करने की पूरी कोशिश की गई थी। यानी एक ही विज्ञापन में हिंदू धर्म के ऊपर दो बार हमला करने का काम किया गया। यानी प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओ, पहले ये दिखा दो कि कन्यादान जो होता है वो गलत होता है और दूसरा उसकी जगह पर इस्तेमाल कर लो कन्या मान। देखिए कन्या का मान तो होता ही है, कन्या मान नहीं होता है ऐसी तो कोई बात हिंदू धर्म में नहीं है, लेकिन कन्या मान शब्द डालकर ये दिखाने की कोशिश कर दो कि हिंदू धर्म में कन्या मान नहीं होता है, उनका कोई मान सम्मान नहीं किया जाता है हिंदू धर्म में, उन्हें कैदियों की तरह घूंघट में रखा जाता है। देखिए किसी भी धर्म का सम्मान करना चाहिए, ये बात मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ। तो देखिए आलिया भट्ट को इस तरह का विज्ञापन करने के पहले सब कुछ देख लेना चाहिए, परख लेना चाहिए कि उनके खानदान में क्या असलियत है। महेश भट्ट जो उनके पिता है वो वैसे तो हिंदू थे, लेकिन सिर्फ शादी करने के लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था और अपना नाम भी बदल लिया था। मतलब के लिए कभी हिंदू बन जाओ तो कभी मुसलमान, और ज्ञान दे दो दुनिया भर का जिससे आपका दूर दूर तक का कोई नाता तक न हो। अब आलिया भट्ट पर सांता क्रूज में एक FIR हो गई है, ऐसी बात की जा रही है कि आलिया भट्ट को गिरफ्तार किया जाएगा। सीरियसली क्या ये पॉसिबल है? अगर ये बात उत्तर प्रदेश में FIR कहीं की गई होती तो कुछ पल के लिए मैं मान लेता कि आलिया भट्ट को हिंदू धर्म का अपमान करने के लिए भाई गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई। और मुंबई में जब FIR हुई है तो आप इस बात को भूल ही जाओ कि आलिया भट्ट को गिरफ्तार किया जाए। यहाँ जब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कुछ नहीं हुआ, राज कुंद्रा वाले मामले में कुछ नहीं हुआ, तो आलिया भट्ट का ये जो विज्ञापन है ये तो बहुत छोटी सी चीज है। आज तक जितने भी बॉलीवुड सितारे हैं इनके ऊपर FIR हुई है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। FIR होना मतलब ये सिर्फ न्यूज में बने रहने का एक तरीका हो गया है। FIR मतलब बहुत ही नॉर्मल सी चीज हो गई है इन सितारों के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखिए ये FIR वाली नौटंकी जो है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि कानून के हिसाब से बॉलीवुड वालों को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या कुछ भी उनके ऊपर बड़ा काम हो सके, बड़ा कदम उठाया जा सके जिससे इन्हें कुछ असर पड़े। अगर असर पड़ता तो FIR शब्द की कोई वैल्यू होती। बॉलीवुड वालों के लिए FIR शब्द की कोई वैल्यू नहीं है।